गुड इवनिंग, माय नेम इज़ गौरव। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि अगर मुझे CCNA लेवल के प्रैक्टिकल करना है तो मुझे कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने पैकेज रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद में आता है GNS, लेकिन ये जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़े बहुत बग्स हैं, मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, जो GNS का इंस्टॉलेशन मैंने किया तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें मिसमैच हो चुकी है जिसके वजह से मैं GNS का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने अभी तक उसका वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, उसके ऊपर में एक टूल आता है जिसका नाम है UNL, यूनिफाइड नेटवर्क लैब, या तो फिर एक EVE करके भी वर्जन है। दोनों क्या होते हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि नया वाला टूल है UNL, उसके थ्रू हम लोग सिस्को के जो राउटिंग स्विचिंग के जो प्रैक्टिकल्स करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, और ये पैकेट रिसर्च GNS के मुकाबले में स्ट्रांग क्यों है, या तो फिर डिफरेंट क्यों है, या तो फिर एडवांस या एक्सपर्ट वर्जन क्यों है, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास जो टूल है वो है VMware वर्क स्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क स्टेशन 14 प्रो, मैं ये वाला वर्क स्टेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप VMware के साइट के ऊपर जाते हो तो आपको ये मिल जाएगा इजीली। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास UNL भी है, LibVig भी है और GNS भी है। तो मैं UNL के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास UNL का फाइल होना चाहिए। अगर आपके पास UNL लाइट का फाइल नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट होल्ड कर लो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कि मेरे पास नीचे में UNL का फाइल है। ओके, जो UNL का फाइल है वो है एक्सटेंशन OVA फॉर्मेट में, तो आपके पास ये फाइल होना चाहिए। ये फाइल होने के बाद में आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं VMware के थ्रू। ओके, सो अभी किसी को पता नहीं होगा कि OVA फाइल क्या होती है, तो जो सर्वर में वगैरह काम करते हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छा पता होता है, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट करके पूछ सकते हो कि OVA फाइल क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये तो रहा बेसिक सेटअप। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ UNL फाइल के थ्रू। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे इस तरीके का एक मशीन आता है। ये वर्चुअल मशीन से मैंने लाइक मेरे पास मैं एक एक्सपेंसिव हार्डवेयर बाय नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वर्चुअली कॉन्फिगर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर भी देखा, सेम एज पैकेट ट्रेसर है बट ये बहुत ज़्यादा हाइयर वर्जन है, तो हम लोग वही डिफाइन करें कि किस तरीके से हम लोग इसको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इडियट वर्चुअल मशीन सेटिंग। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले आपको वर्चुअल मशीन सेटिंग की एक वर्चुअली जो हमारे पास हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन दिया है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी जो मैंने दिया है 9.9 GB। ओके, जैसे कि मेरा जो ये जो लैपटॉप है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है i5 16 GB, तो उसमें का ऑलमोस्ट मैंने हाफ से ज़्यादा मेमोरी के लिए यूज़ किया है। प्रोसेसर 4 यूज़ कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क मैंने इसके लिए असाइन किया है 60 GB का। ओके, नेटवर्क एडाप्टर भी मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। सॉरी, तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके पहले आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सेटिंग किया है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि आज का हमारा मकसद है। ओके, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, इट टेक्स लाइक 2 to 3 मिनट्स लेता है। ये 2 से 3 मिनट्स लेने के बाद एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, तो आपको हम लोगों को वो देखना है कि कौन सा आईपी एड्रेस है। थोड़ा टाइम लेता है ये, तो हम लोगों को वही जानना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की विंडोज़, इस तरीके की इमेज आ रही है, राउट रिफ्लेक्टर लैब्स। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक आईपी एड्रेस मिला है 192.168.102.129। ओके, तो अभी इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैं फायरफॉक्स के ब्राउज़र में यूज़ करूँगा, ओपन करूँगा। ऐसा नहीं कि हम लोग गूगल क्रोम में ओपन नहीं कर सकते, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, बट फायरफॉक्स इज़ कॉम्पेटिबल। इसके ऊपर मैंने अभी तक जितने बार भी कॉन्फ़िगर किया है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्रोम के साथ अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह करने को देखता हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, बट हालांकि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ एडमिन, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, और पासवर्ड है UNL। आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
आप यहाँ पे पासवर्ड सेव कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहला वाला टैब है ऐड एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद कनेक्ट नोड, नोड्स, नेटवर्क, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, पिक्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, मोर ऑप्शन, रिप्लेस टोपोलॉजी, फ्री सिलेक्ट, स्टेटस, लैब डिटेल्स, क्लोज लैब एंड लॉगआउट। ओके, जैसे कि मैंने लॉगआउट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड वाली विंडो पे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ऐड एन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये बहुत इजी है। एक बार आपको सेटअप समझ में आ गया, इसका यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ गया। लाइक कैसे होता है कि जैसे कि हम लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर से GNS के ऊपर जाते हैं, GNS कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोगों को GNS में यूज़र पीसीज वगैरह नहीं मिलते, तो हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे चकरा जाते कि ये क्या है। अगर हमें स्विचिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो थोड़ा GNS को डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं लोग, तो हम लोग वो फेस करते हैं तो हमें वो कॉम्प्लेक्स लगता है। सेम एज अगर मैं UNL की बात करता हूँ, यूनिफाइड नेटवर्किंग लैब्स, यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं, तो ये भी सेम उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है। थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्ट लगता है पर डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो काफ़ी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया ऐड एन ऑब्जेक्ट, नोड के ऊपर क्लिक किया, जैसे नोड के ऊपर क्लिक किया आपको एक दिखता है कि राउटर आइकॉन आया है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नथिंग सिलेक्टेड। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पे मैं जैसे कि बता रहा था, मैं जो पढ़ाता हूँ मैं राउटिंग स्विचिंग एंड सिक्योरिटी लाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के भी प्रैक्टिकल आप UNL में कर सकते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी लाइक CCNA सिक्योरिटी या CCNP सिक्योरिटी, CCI सिक्योरिटी कोई पढ़ता है उसको प्रैक्टिकल करना है तो यूनिफाइड नेटवर्किंग लैब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप इसके अंदर ASA वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी इमेज है तो। ठीक है, मेरे पास कई दोस्तों ने मुझे इमेजेस दिया था तो वही इमेजेस मैं यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। ठीक है, सिस्को के बारे में भी है, सिस्को राउटर एंड स्विचेस डिवाइसेस है। ओके, उसके बाद सिस्को फायर पावर भी है, सिस्को UCS भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्को ईमेल सिक्योरिटी। ये तो रही हमारे सिस्को के बारे में इंफॉर्मेशन। सिस्को के बाद में भी बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होता है लेकिन हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं पता होता कि हम ये सब प्रैक्टिकल कहाँ पे कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोनिक वाले सिट्रिक्स है, ओके जूनिपर यहाँ पे देख सकते हैं, लिनक्स है, सो यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरा, विंडोज, वर्चुअल पीसीज। तो मतलब सिस्को प्लेटफॉर्म के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसके सबके प्रैक्टिकल हम लोग UNL में कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास वो iOS है तो। यहाँ पे मैं लेता हूँ सिस्को राउटर, सिस्को IOL। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ नंबर ऑफ नोड्स, तो मुझे जैसे कंसिडर करता हूँ मुझे चार राउटर चाहिए तो मैं यहाँ पे चार के ले लूँगा। इमेज तो L3 रहेगा डेफिनेटली क्योंकि राउटर सॉरी आइकॉन राउटर का, आप यहाँ से आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने IP फ़ोन लिया तो खाली आइकॉन चेंज होगा लेकिन उसके अंदर के इंटरफेस वगैरह जो भी कुछ फंक्शनैलिटी रहेगा वो राउटर का ही रहेगा। एनवी रैम वगैरह सेट कर सकते हैं, रैम भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इथरनेट जो पोर्ट्स है उसको अगर बढ़ाना है कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ओके, यहाँ तक तो हो गया, तो नीचे की इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देता है, तो आपको जैसे आप सेव करते हो तो आपको यहाँ पे चार राउटर आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो मैं कुछ इसको प्रॉपर तरीके से असाइन कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉकवाइज मैंने असाइन कर दिया है, यहाँ पे है R1, R2, R3, R4। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंट लुक है और काफ़ी अच्छा लुक है। ठीक है, अभी मुझे इन सभी राउटों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट नोड्स करके ऑप्शन है, कनेक्ट नोड पे जाके सिंपली इथरनेट 0/0/0 को कनेक्ट कर दिया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे सेकंड नोड कनेक्ट करना है इथरनेट 0/1/2, यहाँ पे भी 0/1। मैं हमेशा इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ क्योंकि मुझे आसान लगता है, अगर अपोजिट नोड सेम है तो इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है और जितना सिंपल टोपोलॉजी बना के आप अंडरस्टैंड करोगे उतने जल्दी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। सेम एज मैं इसको भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 0/1/2, यहाँ पे भी 0/1, अभी इन दोनों के बीच में 0/0 का कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ मैं कनेक्टिविटी। ओके,
ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने चार राउटर लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए केबल भी अटैच कर दिया है मैंने, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर ऑप्शन, मोर एक्शन, सॉरी, स्टार्ट ऑल नोड्स। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको राइट हैंड साइड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में लिख के आएगा R1, R2, R3, R4, जो कि डिवाइसेस हम लोगों ने लिए हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सिंपली अभी मुझे R1, R2, R3, R4 जो भी डिवाइस है उसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करना है, ठीक है। सिंगल क्लिक करने से भी आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। सेम एज मैं R2 को भी ओपन कर लेता हूँ, R3 को भी ओपन कर लेता हूँ, R4 को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों के चारों डिवाइसेस। हमें 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बूटिंग प्रोसीजर में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम एस मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे भी वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फिगरेशन डायलॉग, तो मुझे नो चाहिए। सेम एस थर्ड राउटर पे भी नो कर देता हूँ, फोर्थ राउटर पे भी मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट राउटर के थ्रू आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि ये सेम एस राउटर की तरह ही है। ये जो यूज़र मोड में आया था, तो अभी मैंने यूज़र मोड से एनेबल करके प्रिविलेज मोड में डाल दिया। तो यहाँ पर मैं शो वर्जन दिखा देता हूँ। जैसे आप शो वर्जन देखोगे तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। 15.4 का इमेज है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ से, और इसके ऊपर आप वो सभी कमांड चला सकते हो जो कि GNS में वगैरह आप कॉन्फिगर करते थे, ठीक है। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस भी हैं तो आप नए नोड लेके उनके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। मेरे पास कुछ इमेजेस नहीं है, कुछ इमेजेस है तो मैंने सबके सब यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। अगर सिस्को XRV9000 को यूज़ करता तो वो ये भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ से देख के प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मिलता है तो ये डाउनलोड करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।